हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टीमेशन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक जो होगा मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टीमेशन, इसकी हम बात करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स पे कि प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन के लिए जो आपका मैट्रिक्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो बात की थी वो बात की थी सॉफ्टवेयर प्लानिंग की, कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरह से करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसकी, और कैसे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को आप प्लान करते हैं टोटली, ऑल एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से प्लान करते हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स पे बात करेंगे। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जो आपका प्रोजेक्ट साइज का एस्टिमेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की साइज एक्चुअल में कितनी हो सकती है, ठीक है। इसका एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे आप ये समझ पाएंगे कि कितना एफर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करने में लेगा और कितनी कॉस्ट जाएगी उसको डेवलप करने में। तो इसका एस्टिमेशन आप करेक्टली तभी कर पाएंगे जब आपको प्रोजेक्ट की साइज का एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की साइज कैसे पता चलेगी हमें, इसके लिए हम यूज करेंगे मैट्रिक का। मैट्रिक एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है प्रोजेक्ट साइज को मेजर करने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि वेट को अगर मेजर करना है तो हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ग्राम या किलोग्राम। तो इससे हम क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं कि आप इतने केजी के हो, इतने किलोग्राम के हो या फिर इतने ग्राम के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर प्रोजेक्ट साइज को आपको मेजर करना है तो आपको मैट्रिक को यूनिट की तरह लेना पड़ेगा। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट साइज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन कौन सी मैट्रिक हैं चलिए देखते हैं इसको। तो डिफरेंट टाइप के आपके मैट्रिक्स जो हैं वो डेवलप्ड किए गए हैं प्रोजेक्ट की साइज को एस्टिमेट करने के लिए, जिसमें पहला आता है आपका काउंट द लाइंस, यानी लाइन को काउंट्स करके आप प्रोजेक्ट की साइज बता सकते हैं, या फिर लाइन ऑफ कोड यानी LOC का इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट की साइज को बता सकते हैं, फंक्शन पॉइंट को यूज करके आप जो है मेजर कर सकते हैं, ये भी आपका मैट्रिक की तरह काम करेगा। देन फीचर पॉइंट मेथड को भी यूज करके आप मैट्रिक को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट की साइज को मेजर कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैट्रिक्स आपने देखे, चाहे वो आपके काउंट द लाइन हो, लाइन ऑफ कोड हो, फंक्शन पॉइंट हो, फीचर पॉइंट हो, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आपके क्या हैं, इन सभी मैट्रिक्स में से दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनमें से दो जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट। ये दोनों ही मैट्रिक बहुत ही पॉपुलर हैं और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ लाइन ऑफ कोड को डिस्कस करेंगे कि लाइन ऑफ कोड मैट्रिक जो है वो आपका किस तरह से प्रोजेक्ट साइज को मेजर करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइन ऑफ कोड की बात कर रहे हैं हम, लाइन ऑफ कोड क्या है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक है, सबसे इजी यूनिट है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट की साइज को मेजर करने के लिए। LOC मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन, यानी जितने भी सोर्स कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उनको काउंट करके LOC जो है वो प्रोजेक्ट की साइज को मेजर करेगा, ठीक है। तो कैसे मेजर करेगा, इट इग्नोर द कमेंटिंग कोड्स, यानी ये क्या करता है, LOC क्या करता है, जो कमेंटिंग कोड्स होंगे या ब्लैंक लाइंस होंगी इनको वो इग्नोर कर देता है, सिर्फ जो सोर्स इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उनको काउंट करके प्रोजेक्ट की साइज को ये जो है मेजर करेगा। तो बाय यूजिंग LOC आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, लाइन ऑफ कोड्स को डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने लाइन ऑफ कोड हैं, उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट की साइज बता सकते हो। लेकिन ये आपका आसान कब होगा, LOC निकालना क्या कब आसान होगा, जब आप एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट को देखें कि आपका जहां प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है
अगर वहाँ पे देख रहे हैं तो इजीली आप बता पाएंगे कि एलओसी जो है वो आपका जो है लाइन ऑफ कोड कितने हैं, और उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट की साइज को नंबर्स के फॉर्म में बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एलओसी से बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में ही अगर आपको साइज एस्टिमेट करनी है कि प्रोजेक्ट की साइज क्या होगी बिगिनिंग ऑफ द कोड से ही, तो आपको बहुत ही मुश्किल आएगी, क्योंकि आप शुरू में ही नहीं बता सकते हैं कि कितना ज्यादा आपका लाइन ऑफ कोड जाएगा। तो इसके लिए आप एलओसी को एस्टिमेट करने के लिए बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट पे ही आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और सब मॉड्यूल्स में तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि आपके मॉड्यूल्स जो है वो आपके अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड नहीं हो जाए। तब तक आप उन मॉड्यूल्स को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते जाएंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम की साइज कितनी है या प्रोजेक्ट की साइज कितनी है। ठीक है, बाई यूजिंग द एस्टिमेशन ऑफ द लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल्स, आप प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, टोटल साइज एस्टिमेशन कर पाता है प्रोजेक्ट का, कि टोटल आपकी प्रोजेक्ट की साइज कितनी होगी, ये कैसे बता पाएगा, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करके। ठीक है, फीचर ऑफ एलओसी मैट्रिक्स, एलओसी के फीचर्स क्या होते हैं, ये क्या करता है, लाइन ऑफ द टेक्स्ट जो है वो काउंट करता है कि कितने लाइंस हैं सोर्स कोड के अंदर, और लाइंस जो है वो आपके इसमें से कमेंटिंग लाइन जो होंगे कोड के, कमेंटिंग लाइन या जिसमें कमेंट हम लिखते हैं, या फिर हेडर फाइल्स को ये इग्नोर कर देगा, सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को ये काउंट करेगा। एलओसी जो है वो आपका एस्टिमेट करेगा एंड ऑफ द प्रोग्राम पे, अगर करे तो बहुत इजीली कर सकता है, लेकिन अगर बिगिनिंग में ही हमें एस्टिमेट करना है कि टोटल कितनी लाइन ऑफ कोड्स लिखे जाएंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जब आउटपुट देगा आपका बिगिनिंग में, अगर कर रहे हैं तो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करके आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो आपकी वैल्यू आएगी कि प्रोजेक्ट की साइज कितनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, एलओसी को आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उन कोड्स के लिए यूज कर सकते हैं जो पहले से डेवलप्ड है, उन कोड के लिए नहीं आप यूज करेंगे जो आपके डेवलप होंगे, जो पहले से डेवलप्ड है आप उनको काउंट करके बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट की साइज कितनी होगी। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ऑल लाइन्स इंक्लूडिंग प्रोग्राम हेडर, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। अब आते हैं लाइन ऑफ कोड को आप किस तरह से मेजर करेंगे, तो आप मेजर कर सकते हैं किलो लाइन ऑफ कोड या 1000 लाइन ऑफ कोड्स के से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करना है लाइन ऑफ कोड को, तो लाइन ऑफ कोड को हम सोर्स लाइन ऑफ कोड भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम SLOC भी कहेंगे। SLOC से आप मेजर कर सकते हैं दो मेजर टाइप्स को, फिजिकल SLOC या फिर लॉजिकल SLOC। फिजिकल में क्या होगा, आप जो आपका प्रोग्राम होगा उसके नंबर ऑफ कोड्स को यानी नंबर ऑफ लाइंस को आप काउंट करेंगे, सिर्फ आप कमेंटिंग लाइन को वहां पे इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल LOC। ठीक है, फिजिकल SLOC में नंबर ऑफ कोड की, जितनी भी कोड की नंबर ऑफ लाइंस होंगी उनको आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, कमेंटिंग लाइन को छोड़ देंगे। तो ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो ये फिजिकल SLOC कहलाएगा। लॉजिकल LOC के अंदर क्या होगा, लॉजिकल LOC में आप एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को जो है मेजर करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशंस आर लिंक्ड विद स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो किस तरह से हम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फिजिकल कौन से होंगे, लॉजिकल कौन से होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कोड को देखें, तो फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 100, देन आई प्लस प्लस, यानी ये पूरा फॉर लूप लिखा हुआ है, देन आपको प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक कॉमेंट दिया हुआ है, इसमें आप कैसे फाइंड करेंगे, तो फिजिकल लाइन ऑफ कोड अगर हम यहाँ पे देखें कि फिजिकल LOC क्या है, तो फिजिकल LOC जो है वो आपका सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है, यानी ये पूरा ही फिजिकल LOC होगा, सिर्फ कमेंट सेक्शन को छोड़ देंगे। तो फिजिकल LOC अगर देखें तो एक लाइन ऑफ कोड है, लेकिन लॉजिकल में देखें तो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, एक तो आपका फॉर स्टेटमेंट दिख रहा है और एक आपका प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दिख रहा है। तो लॉजिकल के हिसाब से दो लाइन ऑफ कोड है और फिजिकल के हिसाब से एक लाइन ऑफ कोड है, और दोनों में ही हमने कमेंट सेक्शन को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो आपका कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए एक कमेंट लाइन है, उसके बाद चार आपके लाइन ऑफ कोड हैं। तो यहाँ पे अगर फिजिकल लाइन ऑफ कोड देखें तो फिजिकल लाइन ऑफ कोड 4 है, लेकिन लॉजिकल में देखें तो 2 ही है, फॉर और प्रिंट एफ। ठीक है, तो
तो फिजिकल और लॉजिकल में, फिजिकल में 4 लाइंस लिखी हुई हैं, कमेंट को इग्नोर कर दिया है, और आपके लॉजिकल में भी 2 लाइन लिखी हुई हैं फॉर और प्रिंट एफ के लिए। ये 2 लॉजिकल लाइन है, इसमें भी आपका कमेंट इग्नोर कर दिया गया है। तो फिजिकल हो या लॉजिकल हो, दोनों में कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 फिजिकल लाइन ऑफ कोड हैं और 2 लॉजिकल लाइन ऑफ कोड हैं, और कमेंट लाइन को दोनों ने ही इग्नोर कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो एलओसी जो मेट्रिक होगा जिसके थ्रू आप मेजर कर रहे हैं सोर्स कोड, सॉरी प्रोजेक्ट की साइज को, प्रोजेक्ट की साइज को आप एलओसी मेट्रिक के थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो इससे क्या डिसएडवांटेज होंगे? तो इससे आपका पहला डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू मेजर एलओसी इन अर्ली स्टेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपका नया नया प्रोजेक्ट है तो उस स्टेज पे, जब आपका प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ है, उस स्टेज पे आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की साइज को एस्टिमेट करना हो, मेजर करना हो, तो वहाँ पे वो डिफिकल्ट हो जाता है। एलओसी जो है वो आपका चेंजेस विद चेंज इन कोडिंग लैंग्वेज, जैसे जैसे आप कोडिंग लैंग्वेज में चेंज करते जाएंगे, डिजाइन मेथड में चेंज करेंगे या फिर प्रोग्रामर की स्टाइल में चेंज करेंगे, तो सेम प्रॉब्लम के लिए आपका एलओसी चेंज हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड टू मेजर एलओसी, कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं है। जैसा जैसा लाइन ऑफ कोड है, सारे लाइन ऑफ कोड को काउंट करके वो आपको प्रोजेक्ट की साइज को बता देगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामर इज मेजर्ड बाई लेंथ ऑफ कोड, नॉट बाई इफेक्टिवनेस ऑफ कोड। यानी जो प्रोडक्टिविटी मेजर की जाएगी प्रोग्रामर की, कि प्रोग्रामर ने कितनी प्रोडक्टिविटी की है, वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कोड, यानी कोड की कितनी लेंथ है, ना कि कोड कितना इफेक्टिव है, इस पर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, इट कैन नॉट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ कोड, क्वालिटी ऑफ कोड पे फोकस नहीं करेगा ये सिर्फ आपका कितना लाइन ऑफ कोड है उस पर फोकस करेगा। इट कैन नॉट टेल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड, यानी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बताएगा, सिर्फ ये आपका एस्टिमेट करेगा नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करके, ठीक है, कि कितना आपके प्रोजेक्ट की साइज होने वाली है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एलओसी मैट्रिक क्या होती है। एलओसी मैट्रिक जो है वो आपका प्रोजेक्ट की साइज को एस्टिमेट करने के लिए मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेकेंड फीचर को देखेंगे, फंक्शन पॉइंट को। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए ऐसी यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।